हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकैबुलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यूज़पेपर से रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स। सारे ही वर्ड्स किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से नहीं लिए गए हैं, बल्कि अलग अलग आर्टिकल्स और न्यूज़ से लिए हैं मैंने। लेकिन इन वोकैबुलरी वर्ड्स को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल दिए हैं वो डेली कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है ज़्यादातर। तो फर्स्ट वर्ड है कंपेट्रियट। कंपेट्रियट इज़ अ नाउन, इसका मतलब होता है देशवासी, स्वदेशवासी या हम देशी। यहाँ पर मीनिंग में देशवासी, देशवासी दो बार लिख गया है, लेकिन एक होना चाहिए स्वदेशवासी। तो कंपेट्रियट का मतलब होता है देशवासी, स्वदेशवासी या हम देशी जो एक ही देश में रहती हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं कंट्रीमैन और कंपेनियन। इसके एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स होती हैं फॉरनर और स्ट्रेंजर। फॉरनर का मतलब होता है विदेशी जो दूसरे देश के होते हैं, और स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, मतलब हम दूसरे देश के लोगों को नहीं जानते हैं तो वो स्ट्रेंजर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एस्क्ड हिज कंपेट्रियट्स टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एट होम एट 9 PM ऑन संडे। प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों को रविवार रात 9 बजे घर की सभी लाइटों को बंद करने को कहा। कंपेट्रियट मीन्स देशवासी। नेक्स्ट वर्ड है रो। रो इज अ नाउन, इसका मतलब होता है झगड़ा, उपद्रव और हुल्लड़। हुल्लड़ का मतलब होता है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो जो शोर होता है, जो लड़ाई झगड़े की आवाज़ें होती हैं उसको बोलती हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्वेरल और डिस्प्यूट, इन दोनों का ही मतलब झगड़ा होता है। इसके अपोजिट वर्ड्स हैं रिकॉन्सिलिएशन और एग्रीमेंट। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप और एग्रीमेंट मतलब समझौता। मेल मिलाप और समझौता दोनों ही झगड़े के अपोजिट वर्ड हो सकती हैं, इसलिए रो के अपोजिट वर्ड्स हैं रिकॉन्सिलिएशन और एग्रीमेंट। शी हैड अ रो अगेन विद हर हस्बैंड ओवर मनी, उसका उसके पति के साथ पैसों को लेकर फिर से झगड़ा हुआ। She had a row again with her husband over money. तो रो का मतलब होता है झगड़ा, उपद्रव या हुल्लड़। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्वेरल और डिस्प्यूट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है शिकायत, आलोचना, आपत्ति या एतराज। इसके सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स होती हैं कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म और ऑब्जेक्शन। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, क्रिटिसिज्म, आलोचना और ऑब्जेक्शन, आपत्ति या एतराज। इसके एंटोनिम्स होते हैं हार्मनी और एग्रीमेंट। हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, मतलब आपस में एडजस्टमेंट, और एग्रीमेंट का मतलब होता है आपसी समझौता। तो ये दोनों ही ग्रीवेंस के अपोजिट वर्ड्स होते हैं। टीचर इग्नोर्ड माई ग्रीवेंस अगेंस्ट वन ऑफ माई क्लासमेट। टीचर ने मेरे एक सहपाठी के खिलाफ मेरी शिकायत को अनदेखा कर दिया। ठीक मतलब साथ में पढ़ने वाले, मतलब क्लासमेट। टीचर इग्नोर्ड माई ग्रीवेंस अगेंस्ट वन ऑफ माई क्लासमेट। नेक्स्ट वर्ड है कन्फर विद। कन्फर विद इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है सलाह करना, परामर्श करना या राय लेना। इसके सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स होते हैं कंसल्ट और काउंसल। इन दोनों का ही मतलब होता है सलाह करना, परामर्श करना या राय लेना। शी कन्फर्ड विद हर गाइड बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वर्क। शोध कार्य शुरू करने से पहले उसने अपने सलाहकार से सलाह ली। शोध कार्य मतलब रिसर्च वर्क। शी कन्फर्ड विद हर गाइड बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वर्क। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है दोस्ताना व्यवहार, मित्रवत, अच्छा स्वभाव। ये सारे ही इसके मतलब होते हैं, इसके मीनिंग होती हैं। इसके सिनोनिम्स है फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और कोऑपरेटिव। फ्रेंडली का मतलब मित्रता वाला या दोस्ताना व्यवहार, गुड नेचर्ड मतलब अच्छा स्वभाव या अच्छा व्यवहार, और कोऑपरेटिव मतलब जो आपका सहयोग करते हों। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब जो आपके दुश्मन होते हैं, दुश्मनी वाला, और अनफ्रेंडली का मतलब होता है गैर मिलनसार, जो मिलनसार नहीं होती हैं।
बिकॉज ऑफ हिज एम्बिकेबल बिहेवियर एवरीवन लाइक्स हिम, उसके दोस्ताना व्यवहार की वजह से हर कोई उसे पसंद करता है. बिकॉज ऑफ हिज एमिकेबल बिहेवियर एवरीवन लाइक्स हिम. तो एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार, मित्रवत या अच्छा स्वभाव. नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन मीन्स चिंता, भय या डर, और ये एक नाउन है. इसके सिनोनिम्स होते हैं कंसर्न, वरी और एंजाइटी. कंसर्न, वरी और एंजाइटी, इन तीनों का ही मतलब होता है चिंता, डर या भय. इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं कॉन्फिडेंस, बिलीफ और ट्रस्ट. इन तीनों का मतलब होता है भरोसा. जब भरोसा होता है तो चिंता या डर नहीं होता, इसलिए ये इसके अपोजिट वर्ड्स हैं. द स्टूडेंट लुक्ड अराउंड द एग्जामिनेशन रूम विद एप्रीहेंशन. छात्र ने डर के साथ परीक्षा कक्ष के चारों ओर देखा या चारों तरफ देखा. परीक्षा कक्ष मतलब जहाँ पर एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन हॉल. द स्टूडेंट लुक्ड अराउंड द एग्जामिनेशन रूम विद एप्रीहेंशन. तो एप्रीहेंशन का मतलब चिंता, डर या भय. और इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं कंसर्न, वरी और एंजाइटी. नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी. लिबर्टी भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता. इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्रीडम और इंडिपेंडेंस. और इसके एंटोनिम्स वर्ड मतलब कि अपोजिट वर्ड्स होती हैं डिपेंडेंस और प्रिजन. डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता और प्रिजन का मतलब होता है कैद. तो ये दोनों ही आज़ादी या स्वतंत्रता के अपोजिट वर्ड्स होती हैं, इसलिए लिबर्टी के एंटोनिम वर्ड्स हुए डिपेंडेंस और प्रिजन. गिविंग टू मच लिबर्टी टू चिल्ड्रन समटाइम्स कॉजेज सीरियस ट्रबल टू पेरेंट्स. बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी देने से कभी कभी माता पिता को गंभीर परेशानी होती है. गिविंग टू मच लिबर्टी टू चिल्ड्रन समटाइम्स कॉजेज सीरियस ट्रबल टू पेरेंट्स. तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी या स्वतंत्रता, और इसके सिनोनिम्स होती हैं फ्रीडम और इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट वर्ड है डिसेमिनेट. डिसेमिनेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रचार करना या प्रसार करना और फैलाना. इसके सिनोनिम्स होते हैं मतलब सिमिलर वर्ड्स होती हैं स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूट. इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है फैलाना या प्रचार प्रसार करना. इसके एंटोनिम्स होते हैं स्टाइफल और रिप्रेस. इन दोनों का मतलब होता है दबा देना, मतलब फैलाना नहीं दबा देना, कम कर देना. कंप्यूटर्स आर यूज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर का इस्तेमाल सूचना के प्रसार के लिए किया जाता है, मतलब सूचना को फैलाने के लिए किया जाता है, इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए करती हैं. कंप्यूटर्स आर यूज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वर्ड है लॉकडाउन. लॉकडाउन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है तालाबंदी या पूर्णबंदी, पूरी तरह से सब कुछ बंद कर देना. इसके सिनोनिम्स होते हैं कर्फ्यू और कंप्लीट क्लोज डाउन. लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू द रिस्क ऑफ कोरोना इन्फेक्शन. कोरोना इन्फेक्शन की वजह से कई देशों में तालाबंदी की गई है. लॉकडाउन हैज़ बीन इम्पोज्ड इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू द रिस्क ऑफ कोरोना इन्फेक्शन. तो लॉकडाउन का मतलब होता है तालाबंदी या पूर्णबंदी, मतलब पूरी तरह से बंद कर देना. और इसके सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स होती हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, वो होते हैं कर्फ्यू और कंप्लीट क्लोज डाउन. नेक्स्ट वर्ड है प्लाइट. प्लाइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है गंभीर स्थिति, परेशानी, बदहाली, नाजुक हालत या तंग हालत. इसके सिनोनिम्स होते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ट्रबल और क्वांड्री. डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब गंभीर स्थिति या कठिन स्थिति, ट्रबल मतलब परेशानी और क्वांड्री मतलब तंग हालत या नाजुक हालत. इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान. तो गंभीर स्थिति का अपोजिट हुआ समाधान. मोस्ट वेल्दी पीपल आर अनअवेयर ऑफ द प्लाइट सफर्ड बाय पुअर. ज़्यादातर अमीर लोग गरीबों की बदहाली से अनजान होते हैं. मोस्ट वेल्दी पीपल आर अनअवेयर ऑफ द प्लाइट सफर्ड बाय पुअर.
तो प्लाइट का मतलब होता है गंभीर स्थिति, परेशानी, बदहाली, नाजुक हालत या तंग हालत। लास्ट में रिवाइज करने के लिए सारे ही वर्ड्स का मैंने वर्ड लिस्ट दिया हुआ है।